हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम क्लास 11 की फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल टूल्स। बच्चों, देखा जाए तो ये चैप्टर आपका पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है, लेकिन ये इतना मेजर चैप्टर है कि इसके बिना हमारी फिजिक्स चल ही नहीं पाएगी। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके बिना हमारे न्यूमेरिकल्स नहीं हो सकते। तो एज ए टीचर मुझे लगता है कि इस चैप्टर की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसमें क्या क्या कंटेंट आपको स्टडी करने हैं बच्चों, वो है ट्रिग्नोमेट्री, नंबर टू इज स्लोप ऑफ ए लाइन, नंबर थ्री इज डिफ्रेंसिएशन, नंबर फोर इज इंटीग्रेशन एंड नंबर फाइव इज बाइनोमियल थ्योरम। ये सारे वो पार्ट हैं जो आपको आने चाहिए अपनी फिजिक्स को स्मूथली रन करने के लिए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में मुझे 3 से 4 वीडियो बनाने पड़ेंगे ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्री का पूरा आइडिया हो पाए। इस ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारा आज का लेक्चर है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ऑफ नोन एंगल्स। अब ये नोन एंगल्स क्या होते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस क्या होती हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस तो आपको पता ही है क्या होती हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस होती हैं बच्चों। और आपको पता होना चाहिए टैन और कॉट आपस में उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। कॉस और सेक आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। कॉस, सेक और साइन आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। और ये नोन एंगल्स क्या हो गए? नोन एंगल्स मैं उन एंगल्स को बोल रहा हूं जो आप क्लास 10th के साथ कैरी करके आए हैं, जिनकी वैल्यूज आपको ऑलरेडी नोन है। और ये कौन कौन से एंगल्स हैं? 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री। तो ये आपके नोन एंगल्स हैं जो क्लास 10th में आप समझ के आए हैं, लेकिन ऐसे टीचर मुझे फिर भी आपको इन वैल्यूज को समझाना पड़ेगा दोबारा से ताकि 11th में कहीं डिफिकल्टी ना आए आपको। तो हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम साइन ऑफ 0 डिग्री, कॉस ऑफ 45 डिग्री, टैन ऑफ 60 डिग्री की क्या वैल्यूज होती हैं, कैसे निकालते हैं, तो आज का लेक्चर हमारा उसी का कंसर्निंग है। तो बच्चों, मैं इस लेक्चर को स्टार्ट कर रहा हूं और इनकी वैल्यूज लर्न करने के लिए हमें जो मेथड यूज करना है उस मेथड का नाम है ये बाय ये मेथड। बच्चों, साइड पे मैं थोड़ा सा लिख दूं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये बाय ये मेथड। जस्ट आपको इनकी पोजीशंस पता होनी चाहिए। जैसे हमें पता है लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज, अगर आप ये एंगल देख रहे हैं तो बेस ये होगा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा। अब करना क्या है आपको पता है, अगर हम ये बाय ये करेंगे ये क्या होता है? साइन। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज साइन एंड परपेंडिकुलर बाय बेस इज टैन एंड बेस बाय हाइपोटेन्यूज इज कॉस। बच्चों, आपको इसकी पोजीशंस लर्न होनी चाहिए। आप बताओ जी, साइन यहां से यहां जाता है, यहां मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। आपको बताओ जी, कॉस यहां से यहां जाता है, यहां मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टैन आपका यहां से यहां जाता है। बच्चों, साइन और टैन दोनों आपके यहीं से मूव करेंगे। साइन आपका यहां से यहां जाएगा, टैन आपका यहां से यहां जाएगा। अब कोई आपसे पूछे साइन 30, कॉस 30, टैन 30, कॉट 30, सेक 30, कोसेक 30 क्या होता है? तो ये 6 वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए। लर्न करने का तरीका बहुत ही आसान है। 30 की कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कोई वैल्यू पूछे आपको कैसे निकालनी है, जस्ट ध्यान रखें 1 2 √3। कोई पूछे साइन 30, 1/2, क्योंकि साइन यहां से यहां जाता है। कोई पूछे कॉस 30, √3/2। कोई पूछे टेन 30, 1/√3।
आपको जस्ट पोजिशन लर्न करनी है बच्चों। साइन यहां से यहां जाता है, यहां से यहां क्या जाता है टैन, यहां से यहां क्या जाता है कॉस। अगर साइन यहां से यहां जाता है, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक। अगर साइन यहां से यहां जाता है कोसेक यहां से यहां जाएगा। साइन 30 1 बाय 2, कोसेक 30 2 बाय 1, टैन का उल्टा, टैन का उल्टा कॉट, टैन 30 1 बाय रूट 3, टैन यहां से यहां जाता है, टैन 30 1 बाय रूट 3 और कॉट 30 रूट 3 बाय 1 उसका उल्टा। तो इस ढंग से हम साइन का कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। वैसे ही 60 के लिए, 60 के लिए कैसे लर्न रखना है, 1 2 रूट 3, 30 में 1 2 रूट 3 जहां पे खत्म हो वहीं से स्टार्ट करना है, 1 2 रूट 3 यहां पे खत्म हो यहीं से स्टार्ट करना है, 1 2 रूट 3। 30 में मैसे आए 60 में मैसे के, कोई पूछे साइन 60 क्या होगा, साइन कहां से कहां जाता है बच्चों यहां से यहां रूट 3 बाय 2, कॉस 60 1 बाय 2 कॉस यहां से यहां जाता है, टेन 60 रूट 3 बाय 1 टेन यहां से यहां जाता है। तो इस ढंग से 6 वैल्यू हमें वो लर्न हो जाएंगे। कोसेक 60, कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, साइन यहां से यहां जाता है कोसेक यहां से यहां जाएगा 2 बाय रूट 3। सेक 60, सेक, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, कॉस कहां से कहां जाता है यहां से यहां, तो सेक आपका यहां से यहां जाएगा 2 बाय 1। तो नेक्स्ट आपका नोन एंगल है 45 का बच्चों बड़ा इजी है लर्न करना, 1 1 रूट 2, क्योंकि सबको पता है tan 45 1 होता है और tan कहां से कहां जाता है यहां 1 1 रूट 2, 1 1 रूट 2, sin 45 1 बाय रूट 2, cos 45 1 बाय रूट 2 cos यहां से यहां जाता है, tan 45 कहां से कहां जाएगा यहां से यहां 1। तो इस ढंग से आपको, और अब दो नोन एंगल्स है, एक 0, 0 को बच्चों याद रखना 0 के सामने 0 बाकी 1 1 और 90 के नीचे 0 बाकी 1 1, 0 के सामने 0 बाकी 1 1, 90 के नीचे 0 बाकी 1 1। कोई पूछे साइन 0 क्या होगा, साइन 0 होगा 0 बाय 1 क्योंकि साइन यहां से आ जाता है। कोई पूछे टैन 0 क्या होगा 0 बाय 1 क्योंकि टैन यहां से आ जाता है। कोई पूछे कॉस 0 क्या होगा 1 बाय 1। इस ढंग से आप ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। बस इसमें दो बातें हैं बच्चों ध्यान रखना है, कभी भी 1 बाय 0 हो या 0 बाय 1 हो, बच्चों 1 बाय 0 क्या होगा नॉट डिफाइंड होगा और 0 बाय 1 क्या होगा 0 होगा। जब भी 0 नीचे आएगा कोई भी नंबर ऊपर, जरूरी नहीं कि 1 हो, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड एंड एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड एंड 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0। अब ये कैसे याद रखना है, 0 को 1 से डिवाइड करने नॉट डिफाइंड क्यों आएगा, इसके लिए आप देख लें। जैसे 8 को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं क्या आता है 2 आता है, 6 को 2 से डिवाइड करने क्या आता है 3 आता है, ये तो हमें पता है। तो जो सही इंफॉर्मेशन होती है उसमें क्या होता है, जैसे 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या आएगा 8, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 6, 0 को हम किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 1 आए, 0 को हम किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 1 आए, ऐसा तो कोई नंबर नहीं है। जैसे यहां पे 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें 8 आएगा, 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आएगा, 0 को हम किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 1 आए, ऐसा कोई नंबर नहीं है, इसलिए यहां पे क्या आ गया नॉट डिफाइंड। अब 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 0 आए, 0 से। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी नीचे 0 आएगा बच्चों वो नॉट डिफाइंड होगा और जब भी 0 डिवाइड बाय एनीथिंग होगा दैट इज 0। तो अब हमें कोई भी वैल्यू जैसे हमें निकालनी है, जैसे हमें पूछा जाए tan 60 क्या होता है, अब 60 का आपको टेबल आना चाहिए बनाना। 60 के टेबल में हमें पता है 1 यहां होगा 2 यहां होगा रूट 3, अब tan की पोजीशन पता होनी चाहिए ये बाय ये रूट 3 बाय 1, cot 30 कहां है, 30 का टेबल आना चाहिए 1 2 रूट 3 और cot की पोजीशन पता होनी चाहिए, tan यहां से यहां जाता है cot यहां से यहां जाएगा, तो cot 30 क्या होगा रूट 3 बाय 1। कोई आपसे पूछे साइन 60 क्या होगा, 60 का टेबल बनाना चाहिए 1 2 रूट 3, अब साइन की पोजीशन क्या होती है ये भाई ये रूट 3 बाय 2। तो इस टाइप से आपको बस ये पता होना चाहिए कि साइन की पोजीशन क्या होती है ये भाई ये कॉस की ये भाई ये टैन की ये भाई ये, अगर टैन यहां से यहां जाएगा तो कॉट आपका यहां से यहां जाएगा। 30 के लिए 1 2 रूट 3, 60 के लिए जैसे 1 2 रूट 3, 60 के लिए 1 2 रूट 3,
45 तो बहुत आसान है, 1 1 रूट टू, और 0 और 90 के लिए हमेशा 1 और 0 यूज होंगे, 0 के सामने 0 बाकी 1 1, 90 के नीचे 0 बाकी 1 1। तो इस टाइप से आज हमने नोन एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालना सीखी बच्चों। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको हल्का सा कहीं भी डाउट है आप इसके थ्रू दोबारा से जाएं लेक्चर के थ्रू और कोशिश करें उस डाउट को रिमूव करने के लिए। आपको ये लेक्चर के थ्रू ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनकी वैल्यूज आनी चाहिए ताकि हम आगे के लेक्चर्स को स्मूथली रख पाएं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं हायर एंगल्स पर जाऊंगा कि जैसे साइन ऑफ 120 क्या होता है, टैन ऑफ 150 क्या होता है, सेक ऑफ 210 डिग्री क्या होगा। तो इस टाइप से हम हायर एंगल्स पर जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।